आउट होते ही रो पड़े रोहित शर्मा। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई और गुजरात के बीच खेले जा रहे क्वालिफायर टू मुकाबले में रोहित शर्मा से सबको बेहद उम्मीदें थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले रोहित शर्मा गुजरात टाइटंस के खिलाफ फुस निकले। महज 8 रन बनाकर रोहित शर्मा मोहम्मद शमी का शिकार हो गए। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी का रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद फिर क्या था, हिटमैन कैच आउट होते हुए सीधे पवेलियन चले गए। जब रोहित शर्मा आउट होकर डगआउट की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो काफी इमोशनल और निराश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में आंसू भी है। दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला पिछले काफी समय से खामोश चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को अब रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।